गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज जो आपका एंटो का कोर्स है, एंटो 311 पेस्ट ऑफ फील्ड एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे थे फ्रूट क्रॉप्स के पेस्ट। पिछली क्लास में हमने पढ़े सिट्रस फ्रूट जो है उनके पेस्ट पढ़े, उससे पहले हमने मैंगो के पेस्ट पढ़े। आज हम पढ़ने वाले हैं जो एक तो बेर का, दोनों एक एक पेस्ट है, बेर की फ्रूट फ्लाई और एक जो है आपका। इससे पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, इसके अंदर एक पेस्ट और है, ठीक है, जो मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, गुआवा की फ्रूट फ्लाई, ठीक है, अमरूद की फ्रूट फ्लाई। उसका रीज़न क्या है, वो सेम ही है जो मैंने आपको मैंगो के अंदर करवाया था, मैंगो फ्रूट फ्लाई बैक्टोसेरा डोरसेलिस जो हमने की थी, सेम है, टेफ्रिटिडी वही फैमिली है सेम, तो इसको उसमें से पढ़ लेना। अगर पहली बात तो ये क्वेश्चन आया नहीं आज तक कभी भी, गुआवा फ्रूट फ्लाई अगर पूछा जाए तो सेम वही है, बस फ्रूट चेंज कर देना, ठीक है। इसके अलावा एक दो क्रॉप्स हैं जिनके एक एक पेस्ट है, तो दो क्रॉप्स हैं उनमें से जिनके हम आज पेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो अनार बटरफ्लाई के बारे में, एक ही पेस्ट है अनार का, और सेकंड है बेर फ्रूट फ्लाई, दोनों ही एक एक पेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनार की जो बटरफ्लाई है, अनार बटरफ्लाई, अनार बटरफ्लाई। तो अनार बटरफ्लाई में क्या है कि सबसे पहले तो अब नाम से पता चल रहा है बटरफ्लाई, यानी कि क्या है, जो मेन रोल रहेगा वो किसका रहेगा, एडल्ट का, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, ऑर्डर कौन सा है, लेपिडोप्टेरा है ना, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की जब भी बात आए तो हमें तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है, वो कौन कौन सी, कि एक तो जो है इसका लाइफ साइकिल कैसा होगा, कंप्लीट है ना, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, प्लस क्या होगा, लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होगी और डैमेजिंग स्टेज कौन सी होगी, जो कैटरपिलर है या फिर जो लार्वल स्टेज जो है ना। तो लेपिडोप्टेरा इसका मतलब क्या है, इसके नुकसान पहुंचाने वाली स्टेज कौन सी होगी, कैटरपिलर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइंटिफिक नेम की। तो इसका साइंटिफिक नेम है विरेकोला आइसोक्रेटस, ठीक है, विरेकोला आइसोक्रेटस। फैमिली है इसकी लाइकेनिडी और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, लाइकेनिडी लेपिडोप्टेरा। अब बात करेंगे होस्ट प्लांट की। तो कहने को तो ये अनार की बटरफ्लाई बोलते हैं इसको, क्योंकि मेजर जो है इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया जाता है वो अनार की क्रॉप में ही, पोमीग्रेनेट जो है। लेकिन इसके अलावा जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं, है ना, बाकी जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं उन सब के अंदर भी क्या है, इसका नुकसान होता है। इसलिए क्या है, हम इसको होस्ट की अगर बात करें तो आप लिख सकते हो अमरूद, बेर, आम, पपीता, ठीक है, ये सब इनमें भी ये नुकसान पहुंचाती है। अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ डैमेज क्या है, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है, कैटरपिलर, है ना, तो कैटरपिलर। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के स्टार्ट कहाँ से होगा, तो एगलेइंग का, एग्स जो इसके दिए जाते हैं वो क्या है, जो फ्रूट है, ठीक है, या फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, इनका जो बेस वाला पार्ट होता है यानी कि जो आधार वाला भाग होता है वहाँ पे क्या है, इसके एग्स दिए जाते हैं। फिर उससे हैचिंग के बाद जब कैटरपिलर निकलते हैं, लार्वा जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए ये क्या है, अनार का फ्रूट है, ठीक है, ये अनार का फ्रूट है, तो इसकी जो कैटरपिलर होगी वो क्या करेगी यहाँ पे, है ना, यानी कि जो फ्रूट की स्किन जो होती है इसके अंदर होल बना के और इसके अंदर इंटर होगी, और इंटर होने के बाद यहाँ पे क्या है, हमें आसानी से इसका होल दिख जाता है। लेकिन ये क्या करती है, इंटर होने के बाद ये जो होल जो होता है इसको बंद कर देती है, इस होल को ये क्या है, वापस से बंद कर देती है, क्लोज कर देती है, किससे, जो इसकी एक्सक्रीटा जो होती है, ठीक है, या बोले विष्ठा जो होती है उससे क्या करती है, ये जो अपने इस जो होल होता है इसको बंद कर देती है और अंदर ही अंदर इसको क्या है, फीड करती रहती है। नेचुरल अगर डैमेज कम है तो हमें क्या है, एक फ्रूट के अंदर मोस्टली एक या दो जो है कैटरपिलर देखने को मिलती है, लेकिन अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो यहाँ तक कि 8 से 10 तक के कैटरपिलर जो है वो एक फ्रूट के अंदर देखी गई है। तो ये क्या, अंदर ही अंदर इसको फीड करते रहते हैं। सबसे पहले तो क्या है, फ्रूट का जो पल्प वाला भाग होता है, ठीक है, है ना, जो फ्रूट का पल्प होता है उसको फीड करती है। फिर धीरे धीरे, अब हमें भी पता है कि अनार के अंदर बात करें अगर, तो उसके अंदर खाने वाला भाग क्या होता है, सीड्स, है ना, सीड्स होते हैं, जो जूसी सीड्स होते हैं। तो ये क्या करती है, उन सीड्स को,
ये जो सीड्स होते हैं अनार के अंदर, ये फिर इनको फीड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या है, पूरा जो है अंदर से इसको खाती रहती है और हमें इकोनॉमिक लॉस होता रहता है। इसके साथ साथ इसकी एक खास बात और क्या है कि ये क्या है, एक लिक्विड, यानी कि ये क्या करती है, खाने के साथ साथ एक लिक्विड का सिक्रेशन करती है, यानी कि पानी सा क्या है ये सिक्रेट करती रहती है, जिससे क्या होता है उसके ऊपर फंगस लग जाती है, उसके ऊपर क्या है फंगस का अटैक हो जाता है। अब नॉर्मली हमने पढ़ा है कि ये सब किस में होता है, जो हेमिप्टेरा ऑर्डर में होता है, लेकिन लेपिडोप्टेरा के इसके अंदर भी सेम है। ये क्या करती है, इसके जो जहाँ जहाँ से ये खाती है वहाँ पे क्या है लिक्विड वाटर सीक्रेट करती रहती है, इससे क्या होता है उसके ऊपर फंगस का अटैक हो जाता है, फंगस चिपक जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब हमें पता है कि 8 से 10 में अगर एक फ्रूट के अंदर 8 से 10 जो है कैटरपिलर फीड करेगी तो क्या बचेगा उस फ्रूट के अंदर, कुछ नहीं बचेगा। और जब लेटर स्टेज होती है, यानी कि जब ये प्यूपा बनने के लिए जब निकलते हैं, तब ये क्या है होल जो है ये हमें आसानी से दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है, यहाँ तक ये माना गया है कि 40-90% तक, यानी कि 90% तक इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका नेचर ऑफ डैमेज हो गया कि ये कैसे नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया 4 स्टेज होगी, ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब वो स्टेज कौन कौन सी होगी, एग, लार्वा या कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट। एग की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया एक एक करके सिंगली वाइट कलर के एग दिए जाते हैं, कहाँ पे, बेस ऑफ फ्लावर्स, यानी फूल जो है कोई भी फ्लावर है उसका जो बेस वाला, जहाँ से फ्रूट जो फ्लावर है वो खिला हुआ है या जुड़ा हुआ है प्लांट के साथ, ठीक है। तो वो बेस वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे, या फिर फ्रूट्स पे, या फिर लीव्स पे इसके एग्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लार्वा या कैटरपिलर की। तो ये क्या है, फ्रूट में इंटर हो जाते हैं, हैचिंग होने के बाद फ्रूट में इंटर होंगे और मेक होल, होल बनाएंगे, है ना, छेद बनाएंगे। अब ये क्या है, फीड पल्प, पहले पल्प को खाएंगे, देन सीड्स। ये मैंने अभी आपको बताया साइज होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। डल कलर यानी कि मटमैले रंग की होती है। फिर है इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, माइन्यूट हेयर्स, बहुत छोटे छोटे क्या है हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, माइन्यूट हेयर्स होते हैं। एंड पैचेस, धब्बे बॉडी के ऊपर क्या है, छोटे छोटे पैचेस होंगे और छोटे छोटे क्या होंगे हेयर्स होंगे, इससे कवर रहती है बॉडी। अब ये क्या है, इसकी एक खास बात और है नेचर ऑफ डैमेज के अंदर, ये क्या करती है फ्रूट से बाहर आने के बाद, कम आउटसाइड ऑफ फ्रूट, फ्रूट से बाहर आने के बाद यह क्या करती है, एक मिनट में आपको दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए ये फ्रूट है, ठीक है, ये इसका फ्रूट है, ठीक है। अब ये क्या करती है, मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, इससे ये किसी टहनी के थ्रू क्या है, ये मान लीजिए फ्रूट जो है लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, ये क्या करती है फ्रूट फ्लाई जो है, ये जो फ्रूट है इससे बाहर निकलने के बाद ये जो स्टेम होता है, स्टेम को और इस फ्रूट को क्या करती है, जाली की सहायता से या वेब बना के इसको बांध देती है, है ना, इसको बाइंड कर देती है फ्रूट को स्टेम के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये फ्रूट नीचे नहीं गिरता और इसका जो लाइफ साइकिल है वो आसानी से फ्रूट के अंदर चलता रहता है। तो ये भी इसकी क्या है खास बात है, कम आउटसाइड ऑफ फ्रूट, अटैच इट, यानी अटैच इट की किसकी बात चल रही है, फ्रूट की, है ना, फ्रूट को क्या करती है अटैच कर देती है विद स्टेम, ठीक है, बाय थ्रेड्स, यानी कि धागों से क्या करती है ये जो फ्रूट होती है उसको स्टेम के साथ जोड़ देती है, जिससे फ्रूट नीचे ना गिरे। फिर बात करेंगे प्यूपा की। अब प्यूपा जो होता है इसका प्यूपेशन वो क्या होता है, विद इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर ही होगा या तो, या फिर स्टेम के अंदर, और डार्क ब्राउन कलर का, गहरे भूरे रंग का इसका प्यूपा होता है। चलिए बात करेंगे एडल्ट की। प्रोड जो कीट होता है, प्रोड कीट होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, इनके कलर अलग अलग होते हैं। मेल जो होता है उसका कलर होता है वॉयलेट रेड, यानी कि बैंगनी लाल कलर का, और फीमेल का होता है वॉयलेट ब्राउन, यानी कि बैंगनी भूरे रंग का कलर होता है। फिर है पैचेज ऑन फोरविंग, फोरविंग के ऊपर क्या होंगे पैचेज बने होंगे, प्लस क्या है हाइंड विंग्स, जो पिछली जो पंख होती है वहाँ पे क्या है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, टेल लाइक प्रोलोंगेशन होता है, यानी कि उभार होता है टेल लाइक, टेल यानी कि पूछ लाइक, ठीक है, प्रोलोंगेशन। ये आप जब फोटो में दिखाऊंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो हाइंड विंग जो होती है वहाँ पे क्या है एक ऐसे टेल लाइक प्रोलोंगेशन रहती है, ठीक है, इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है।
फिर बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ के अंदर क्या है, चार स्टेज होती है। अब एग जो स्टेज होती है उससे 7 से 10 दिन बाद में क्या है, ग्रब निकलता है, सॉरी ग्रब नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लार्वा या कैटरपिलर। अब ग्रब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्रब किसको बोलते हैं, जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के लार्वा होते हैं उनके, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैटरपिलर। 18 से 47 दिन बाद में फिर उससे प्यूपा निकलेगा, और प्यूपा जो है उससे 7 से 34 दिन बाद में फिर एडल्ट निकलता है, और एडल्ट जो है उससे बाद में इसके जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद 1 से 2 दिन बाद में फिर वापस साइकिलिंग स्टार्ट होती है, और ये साइकिल इसी प्रकार से चलता रहता है। फिर बात करेंगे टोटल लाइफ साइकिल की, तो टोटल लाइफ साइकिल इसका होता है 33 to 93 days का, और 3 से 4 जनरेशन जो है वो 1 साल के अंदर इसकी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में ये क्या है, इसके एडल्ट्स, अब ये दिखाई दे रहा है सबको, जो मैंने अभी आपको बताया था टेल लाइक प्रोलोंगेशन, तो ये क्या है, ये वो है टेल लाइक प्रोलोंगेशन, दिख रहा है सबको, है ना, पतली पतली पूछ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, इसके हाइंड विंग्स जो होते हैं वहाँ पे पाई जाती है, ये इसकी इसको पहचानने के है ना। अब ये दिख रहे हैं आपको फ्रूट, ये जो होल बनाया गया है ना, ये दिख रहा है सबको छेद, ये किसके द्वारा बनाया गया है, फ्रूट जो अनार की बटरफ्लाई इसके द्वारा, और ये क्या है, इसका कैटरपिलर, दिख रहा है सबको, छोटे छोटे हेयर्स हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, डार्क कलर का होता है, ये इसका क्या है, जो कैटरपिलर है, इस प्रकार से क्या है आपको आसानी से दिख जाएगा, जो अनार के जो फ्रूट होते हैं उसके ऊपर, तो ठीक है ये इसका हो गया डैमेज। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसका बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नेटिंग ऑफ फ्रूट्स, ये क्या है, एक मैकेनिकल कंट्रोल है, कुछ जो पेस्ट हैं उनके लिए विशेष क्या है, उनके लिए स्पेसिफिक कंट्रोल होते हैं, अगर आप वो नहीं लिखोगे तो आप मान लीजिए कि अगर ये लिखोगे, नहीं लिखने का तो क्या है, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर और भी लिखोगे आप चल जाएगा, लेकिन अगर आप ये स्पेसिफिक लिखोगे किसी पेस्ट के लिए, अगर स्पेसिफिक मैनेजमेंट है आप वो लिखोगे, तो इससे क्या होता है, इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। अब जैसे बात करें नेटिंग ऑफ फ्रूट जो है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, बात करें ये सक्सेसफुल है, अगर बात करें पोमीग्रेनेट या अनार के बारे में, अनार की जो बटरफ्लाई है, हम क्या करते हैं, नेटिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये फ्रूट है, तो हम क्या करते हैं, इस फ्रूट को जाली से, फ्रूट जो, क्योंकि अनार का पौधा छोटा ही होता है, आसानी से हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रूट को क्या है, किसी जाली से कवर कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ये कैटरपिलर वगैरह है ये इसके अंदर इंटर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसको, नेटिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे मैंगो के अंदर मैंने आपको बताया था, मैंगो मिलीबग के अंदर हम क्या करते हैं, बैंड लगाते हैं, ट्री बेंडिंग करते हैं ना, तने के चारों तरफ किसी पॉलीथीन को बांध कर उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, तो उसके लिए मैकेनिकल कंट्रोल है इम्पोर्टेंट, और सिर्फ उसी के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखा करें। फिर है डिस्ट्रॉय अफेक्टेड फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रूट्स जिनके ऊपर डैमेज हो गया है, अब वो चाहे प्लांट के ऊपर लगे हुए हो या फिर नीचे सोइल पर गिरे हुए हो, उनको क्या है, हम कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फिर है कुछ केमिकल्स का स्प्रे करते हैं जब फ्रूटिंग हो रही हो, उस समय क्या है, एक तो मेलाथियन की 0.05% स्प्रे, या फिर कार्बेरिल की 0.15% जो है कंसंट्रेशन की स्प्रे करते हैं, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब बात करेंगे सेकंड जो है, बेर की फ्रूट फ्लाई, ठीक है, बेर की फ्रूट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम होता है कार्पोमिया वेसुवियाना, फैमिली होती है इसकी ट्रिपेटिडी, और ऑर्डर होता है डिप्टेरा। अब मैंने आपको बताया था एक मैंगो के अंदर हमने फ्रूट फ्लाई पढ़ी थी बैक्टोसेरा डोरसेलिस, और वही क्या है, गुआवा की फ्रूट फ्लाई भी है, तो उनमें डिफरेंस क्या था, उसकी फैमिली क्या थी, टेफ्रिटिडी, और ऑर्डर था डिप्टेरा, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है ना, ये टेफ्रिटिडी नहीं, ये क्या है, ट्रिपेटिडी, और ये किसकी है, बेर की फ्रूट फ्लाई कार्पोमिया वेसुवियाना। होस्ट प्लांट बात करें तो ये स्पेसिफिक बेर की है, बेर के अलावा किसी पर नुकसान नहीं होता इसका। बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमने जो मैंगो की फ्रूट फ्लाई पढ़ी थी उसमें क्या होता है, डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, मैगट, लेकिन इसमें क्या है, मैगट और एडल्ट दोनों ही क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं। अब एडल्ट नुकसान कैसे पहुंचाता है, एडल्ट क्या करता है, इसके एडल्ट जो फीमेल होती है उसके क्या होता है, जो ओविपोजिटर होता है ना, ओविपोजिटर जो होता है वो बहुत नुकीला होता है, तो उससे क्या है, बेर के अंदर छेद बना देती है, छेद कर देती है, तो इस प्रकार क्या है, इसकी फीमेल भी नुकसान पहुंचाती है, और मैगट तो फ्रूट को अंदर ही अंदर से फीड करता है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की,
तो क्या करती है, सबसे पहले बात करेंगे एग लेइंग की। जैसे मैंगो के अंदर था सेम है, ये क्या करेगी, फ्रूट जो होता है, मान लीजिए ये क्या है, बेर का फ्रूट है, ठीक है। अब ये बेर है तो ये क्या करेगी, ये जो बाहर वाली स्किन जो होती है, फ्रूट की जो स्किन होती है एपिकार्प, इसके अंदर की साइड क्या करेगी, ओविपोजिशन करेगी। अब यहाँ पे एग्स दे दिए इसने, एग्स देने के बाद क्या है, इनसे निकलेंगे मैगट। अब ये मैगट क्या है, जो फ्रूट पल्प है, इसको अंदर ही अंदर से फीड करते रहते हैं, अंदर ही अंदर से फीड करते रहते हैं। और एक ही जो है फ्रूट के अंदर हमें लगभग 6 से 7-8 जो है मैगट देखने को मिल जाते हैं। ये क्या है, धीरे धीरे करते हुए इस पूरा जो फ्रूट के अंदर का पल्प होता है इसको खा जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या बचता है, सेमी लिक्विड ब्राउन कलर का क्या है, पार्ट बचता है, फ्रूट अंदर खा जाएंगे। कभी कई कई बार आपने देखा होगा, हम जब बेर खाते हैं तो आप देखना उसके अंदर कहीं आपको बाहर होल या ऐसे सिम्टम दिखे, ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ दिखे, तो उसको खोल के आसानी से देख सकते हो आप, उसके अंदर आपको दिख जाएंगे इसके जो मैगट होते हैं वो इसी के होते हैं, फ्रूट फ्लाई के। वो क्या है, एक बेर के अंदर बहुत सारे दिख सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या है, जो अफेक्टेड जो बेर होगा उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ ब्राउनिश कलर का सेमी लिक्विड है ना, अर्ध ठोस कुछ पार्ट ही बचता है, बाकी को ये फीड कर जाते हैं। तो क्या है, मैगट फीड फ्रूट्स पल्प, फ्रूट का पल्प खाएंगे, 6 to 9 मैगट जो है पर फ्रूट मिल सकते हैं। एक फ्रूट के अंदर 6 से 9 तक मैगट देखे गए हैं। ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का छोटा सा होता है, बहुत बार देखा भी होगा आपने, पता नहीं होगा वो क्या होती है, लेकिन वो यही होता है ना फ्रूट के अंदर। बेर में सेमी सॉलिड पार्ट रिमेन ओनली, यानी कि कुछ जो है सेमी सॉलिड जो पार्ट है वो ही बचता है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। और इसके अंदर से क्या है, एक फॉल स्मेल, यानी कि क्या है, गंदी बदबू आती रहती है जिसके अंदर इसका डैमेज हो रखा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नेचर ऑफ डैमेज। अब बात करें स्मेल की, तो ये फॉल स्मेल तो अनार बटरफ्लाई के अंदर भी आती है ना, उसके अंदर भी क्या है, जो लिक्विड सीक्रेट वो करती है जिससे फंगस का अटैक होता है, उससे भी क्या है स्मेल आने लगती है। अब बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो इसका भी लाइफ साइकिल क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है ना, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज होती है। सबसे पहले बात करेंगे एग की, है ना। तो एग्स क्या है, मैंने आपको बताया अभी, बिलो फ्रूट स्किन, यानी कि फ्रूट की जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है, उसके नीचे एग्स दिए जाते हैं। और एग्स कैसे दिए जाते हैं, ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर दिए जाएंगे, 4 से 5 ग्रुप के अंदर। और यहीं से जो हैचिंग होने के बाद वो लार्वा जो है उसी जो फ्रूट है उसके पल्प को फीड करने लगते हैं। कलर होता है इसका मटमैला येलोइश वाइट, यानी कि पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग का होता है कलर इसका, ठीक है। तो ये हो गया इसके एगलिंग की। अब बात करेंगे मैगट की। मैगट क्या है, लार्वा, ये ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज मत होना भी। अब ये मैगट में क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार से पूछ लिया जाता है कि डिप्टेरा ऑर्डर जो होता है उसके लार्वा को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, मैगट। ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर के लार्वा को क्या कहेंगे, तो ग्रब, और हेमिप्टेरा जो है वो उसका तो नीम्फ होता है, सॉरी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, 3 स्टेज होती है। अब बात करें आपसे पूछ लिया जाए लेपिडोप्टेरा के, तो क्या बोलेंगे, कैटरपिलर, इसका ध्यान रखना। फिर है मैगट, तो मैगट क्या है, एग से निकलने बाद कैसे होंगे, वाइट कलर के, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी जो आगे की बॉडी है फ्रंट साइड से, तो क्या होगा, ये नुकीला होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि बॉडी साइज क्या है, आगे से पतला होता है और पीछे से चौड़ा होता है। एक्यूट फ्रॉम फ्रंट साइड, यानी कि फ्रंट आगे से तो क्या होता है, माइन्यूट, यानी कि पतला तीखा होता है, और पीछे से क्या होता है, ट्रंकेट एट लास्ट, यानी कि क्या लास्ट, यानी कि पीछे से क्या होता है, इसकी बॉडी जो है वो चौड़ाई में होती है, आगे से ये पतला होता है। 2 मोल्टिंग होती है इसके अंदर, और बॉडी साइज इसके बाद फुली ग्रोन जो लार्वा होता है या मैगट होता है उसका बॉडी साइज क्या होता है, 6 mm। बाकी डैमेज आपको पता ही है कैसे करता है, बता दिया अभी। फिर बात करेंगे प्यूपा का। अब प्यूपा की इसकी खास बात क्या है, कि ये क्या करता है, सबसे पहले अब फ्रूट फ्लाई में आपने देखा होगा, मैंगो की फ्रूट फ्लाई हमने जब पढ़ी थी उसके अंदर भी सेम चीज़ थी। तो क्या करते हैं, जो फ्रूट है, अब ये फ्रूट से ग्रो होने के बाद जब प्यूपा में बदलना होता है, तो ये क्या करते हैं, फ्रूट से बाहर आते हैं, या तो डायरेक्ट, या फिर क्या, फ्रूट झड़ के नीचे गिरते हैं तो सोइल के ऊपर, फिर क्या, सोइल में अंदर गहराई में चले जाकर कुछ गहराई तक वहाँ पे प्यूपा में बदलते हैं। सेम सिस्टम इसमें है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो लास्ट मोल्टिंग होती है,
लास्ट मोल्टिंग जब होती है उस समय जो एक्जुवी बचती है, यानी कि जो त्वचा चेंज करने के बाद पहले की पुरानी जो क्यूटिकल बचती है जिसको हटा देती है, ये क्या करती है, उससे प्यूपेरियम बनाती है। प्यूपेरियम किसको बोलेंगे, यानी कि वो खोल या फिर वो कवर जिसके अंदर ये प्यूपा रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपेरियम। तो ये एक्जुवी से क्या करती है, प्यूपेरियम बनाती है। अब एक्जुवी क्या, पता चल गया, मोल्टिंग के बाद त्वचा निर्मोचन के बाद जो क्यूटिकल हटा दी जाती है उस अवशेष को क्या बोलते हैं, एक्जुवी। तो इससे प्यूपेरियम बनाती है और सोइल के अंदर ये क्या है, प्यूपा में बदलती है। 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर जाकर वहाँ पर क्या करती है, एक्जुवी से प्यूपेरियम बनाती है और वहीं पर क्या होती है, प्यूपा से प्यूपा में बदलती है। अब कुछ कई बार क्या होता है, समटाइम इन ड्राई फ्रूट्स, यानी कि कई बार क्या होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं यानी कि सूख जाते हैं, जो फ्रूट्स झड़ जाते हैं, उनके अंदर भी क्या है, ये प्यूपा में बदल सकता है। कलर होता है इसका लाइट ब्राउन कलर होता है और 4 to 5 mm क्या होता है, इसका साइज होता है। अब बात करेंगे एडल्ट की या प्रोड कीट की, तो क्या है, एडल्ट क्या होगी, फ्लाई होगी, फ्रूट फ्लाई जैसा। तो जैसे हमें घरेलू मक्खी जो होती है लगभग वैसी होती है, एडल्ट फ्लाइज क्या होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके पहचानने के सिम्टम क्या है कि बॉडी जो होती है इसका एब्डोमन वाला जो पार्ट है ना, यानी कि एब्डोमन वाला जो पार्ट है उधर जिसको बोलते हैं, उधर के मान लीजिए ये एब्डोमन है, ठीक है। तो इस एब्डोमन के क्या है, ये वाली साइड जो होगी इसको क्या बोलेंगे, डोर्सल ऊपर वाली साइड, और ये नीचे वाली साइड जो इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल। और जो साइड वाली होती है, इस साइड वाली और उस साइड वाली, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, लेटरल। ये मैंने बता चुका हूँ पहले भी कई बार, लेटरल साइड। तो इसकी डोर्सल और वेंट्रल साइड जो होती है ना, उधर के यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली जो सतह होती है उस पर, वो क्या होती है, वाइट कलर की होती है। एडल्ट फ्लाइज डोर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ एब्डोमन क्या होती है, वाइट, वाइट कलर की होती है, सफ़ेद कलर की इसकी पहचान है। और ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट येलो कलर्स फॉर विंग्स, ट्रांसपेरेंट होंगे और फॉर विंग कैसे होंगे, येलो कलर के, ठीक है। हाइंड विंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, हार्टर्स के अंदर जो है ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। हाइंड विंग्स जो है किसके अंदर, हार्टर्स के अंदर। अब ये हार्टर्स क्या है, जो मॉर्फोलॉजी का जो कोर्स लगता है आपके, या फिर बात करें जो फंडामेंटल का कोर्स लगता है, उसके अंदर विंग्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो हाल्टर्स क्या होती है, एक स्पेसिफाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होते हैं, जो पीछे वाले विंग्स होते हैं, डिप्टेरा में होती है, पीछे वाले जो विंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, छोटे 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 होते हैं थोड़े संरचना में, और ये क्या एक एंगल में स्थित रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो ये फोर विंग होते हैं, फोर विंग के साथ फ्लाई के टाइम जब ये उड़ान भरते हैं उस समय क्या है, फोर विंग के साथ एक ऐसे एंगल में क्या है, जुड़ जाते हैं, जिससे क्या है, फ्लाई करने में इजी होता है और ये आसानी से उड़ सकते हैं। तो हाइंड विंग्स क्या होते हैं, हाल्टर्स जो होते हैं उसके अंदर मॉडिफाइड रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब बात करेंगे टाइम पीरियड की, तो एग जो होता है उससे 4 से 5 दिन बाद में मैगट निकलेगा, ठीक है। मैगट से 9 से 22 दिन बाद में प्यूपा निकलेगा, और प्यूपा से 11 से 87 डेज बाद में एडल्ट, और एडल्ट से फिर बाद में क्या है, ये लाइफ साइकिल जो है ऐसे ही चलता रहता है। टोटल इसका लाइफ साइकिल होता है 25 से 117 दिन का, और 3 जनरेशन जो है इसके 1 साल के अंदर पाई जाती है। अब ये इतना डिफरेंस क्यों है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब ये 11 से 87 है, मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और अनुकूल है, सारी इनको क्या है, भोजन वगैरह मिल रहा है टाइम पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जल्दी ही क्या है, नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं। अगर मान लीजिए विंटर सीजन है, टेम्परेचर कम है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, ये जो है थोड़ा सा इनका टाइम पीरियड है, या फिर बॉडी का जो बात करें, इनका लाइफ साइकिल जो वो थोड़ा लंबा बढ़ जाता है। उसका रीज़न क्या है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, या बात करें तो कुछ समय के लिए रुक जाती है, ठीक है। तो ये इसका लाइफ साइकिल हो गया। ये है फ्रूट फ्लाई, दिख रहा है सबको, ठीक है। एडल्ट फ्रूट फ्लाई जो है येलोइश कलर के, ट्रांसपेरेंट है ना, दिख रहा है सबको, विंग्स हैं। और ये दिख रहा फीमेल जो है, फीमेल की क्या है, नुकीला, मैंने आपको बताया था कि एगलिंग जहां से करती है, ओविपोजिटर जो है, ओविपोजिटर वो क्या होता है, नुकीला होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बेर के अंदर ये होल बना के, ये देख रहे हैं होल किए हुए,
होल बना के क्या है उसके अंदर ये एग्स देती है, और ये फ्रूट दिख रहा है सबको, ये फ्रूट क्या है इसके द्वारा डैमेज किए गए हैं, ठीक डैमेज्ड फ्रूट है, इनके अंदर लार्वा है इसके, यानी कि मैगट विद्यमान है, ठीक है। तो ये हो गए, ये है इसका नेचर ऑफ डैमेज, कैसे डैमेज करती है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय अफेक्टेड फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रूट्स अफेक्ट हो गए हैं या जिनके ऊपर इसका नुकसान हो चुका है या डैमेज हो चुका है, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उनको अलग करके हटा देंगे। अब क्या है, रिमूव वाइल्ड स्पीशीज़, अब इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जैसे जंगली बेर हो गया, आपने बेर का ऑर्चर्ड लगा रखा है, उसके आसपास कहीं जंगली बेर के पौधे जो अपने आप उग जाते हैं या फिर इससे रिलेटेड और भी जो पौधे हैं, उनको हमें क्या है हटा देना है, यानी कि क्या करनी है, रोगिंग करनी है, ठीक है, इसको हटा देना है। अब फिर बात करेंगे राइपनिंग के समय क्या करते हैं हम, जैसे अनार बटरफ्लाई के लिए किया था, या फिर बात करें हमने मैंगो जो फ्रूट फ्लाई पड़ी थी उसमें, उसी में भी यही पड़ा था, उस कंडीशन में क्या करते हैं, 0.05% का क्या है मेलाथियन के घोल का छिड़काव करते हैं, या फिर 0.15% जो है कार्बेरिल के घोल का छिड़काव करते हैं। इसके साथ साथ इसके क्या है बात करें, नेचुरल एनिमीज, ये क्या है नेचुरल एनिमीज भी हैं कुछ, तो ये क्या है, ओपिस कार्पमी या फिर ब्रैकोन प्लेचरी, ये क्या है इसके पैरासाइट है, ये क्या है पैरासाइट है जो इस पर परजीवी के रूप में रहते हैं और इसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल एनिमीज है, हम इनको भी काम में ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपके आज के पेस्ट कंप्लीट, यानी कि बेर के और अनार के दोनों के एक एक पेस्ट था, गुआवा के भी एक फ्रूट फ्लाई है आपके सिर्फ, वो क्या है मैंगो के अंदर हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो क्रास होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट जो कोई भी क्रॉप होगी उसके पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके भी इसको पढ़ लेना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। ओके धन्यवाद।